हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मल्टी टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की फैंसी ड्रेस बना के दिखाएंगे। ये देखिएगा, पहले हम ये नेट लेंगे और इसे 4.5 इंच चौड़ाई में कट कर लेंगे। ये देखिएगा इस प्रकार से, अभी नेट को कट कर लेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब इसकी फ्रिल बनाने के हम, ये देखिए अभी दिखाएंगे। पहले हम ये बुकरम राउंड शेप में काट लेंगे, कोई भी थाली वगैरह लेके उससे, और फिर इसी शेप में कपड़ा लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा साइज में लेंगे। ये देखिए, बुकरम ऊपर रख के इससे थोड़ा बड़ा करके हम इसे कट करेंगे, और फिर इस पर फोल्ड करके स्टिच करेंगे। देखिए, अब हमने इस पर फोल्ड कर लिया बुकरम के ऊपर, इस प्रकार से हम इस पर स्टिच करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सुंदर ड्रेस तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हम इस पर स्टिच कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही कम रेंज में आपको ड्रेस तैयार हो जाएगी, जो मार्केट में 400 से 500 की रेंज में आपको मिलेगी। ये देखिए, दोनों साइड हमने ये फैब्रिक लगा लिया है इस प्रकार से। ये राउंड शेप में हमने तैयार कर लिया है, इधर भी इसी प्रकार से लगाएंगे। ये देखिए, प्लीज़ दोस्तों, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और आप कमेंट्स तो करते नहीं, कमेंट्स की जगह राधे राधे ही लिख दिया करें। ये देखिए, इसे थोड़ा फिनिशिंग कर लेंगे हम कटर की सहायता से। ये हमने फिनिश कर दिया, ये तैयार हो गया हमारा। ये अब हम इसका सेंटर में हॉल करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड कर, ये फोल्ड कर दिया हमने, बिल्कुल सेंटर में करेंगे। और अब हम इसे 1.25 इंच निशान लगा के कट करेंगे। ये देखिए, 1 इंच से थोड़ा कम रख लेंगे, और गोल शेप में इस प्रकार से अब इसे कट कर देंगे हम। ये देखिए, ये हमने कट कर दिया है, ये इस साइज का होल हो गया, और साइड से भी हम कट कर लेंगे यहाँ से, एक साइड से। ये देखिए, इस प्रकार से ये कट डाल देंगे हम यहाँ पर। अब देखिएगा, ये जो नेट है उसकी फ्रिल तैयार करते हैं हम। जो 4.5 इंच की हमने नेट ली थी, उसे फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से एक बार सिलाई लगा देंगे पहले। देखिए, हमने इसको सिलाई लगा दी है यहाँ पे फोल्ड करके। ये फोल्ड इसलिए की है जिससे थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी फ्रिल के अंदर। अब इसकी फ्रिल बना रहे हैं हम। देखिएगा, इस प्रकार से इसमें चुनर डाल के फ्रिल बना लेंगे। देखिए, फ्रिल तैयार होने वाली है हमारी। देखिए, हमारी फ्रिल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ये फ्रिल इस पर लगा दी है राउंड करके। एक फ्रिल और लगाएंगे अभी हम। ये देखिएगा, वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, कैसे लगेगी ये, यहाँ से लगेगी, और सारी फ्रिल इसी प्रकार से लगाएंगे हम। इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये हमने इस पर 3 फ्रिल लगाई हैं, इस पर 4 लगा दें, थोड़ा और बड़ा साइज़ हो जाएगा, 8 नंबर का साइज़ हो जाएगा। 4 लगाएंगे तो हम, अब ये 5 से 6 नंबर के साइज़ की है, जिस पर 3 फ्रिल लगाई हुई हमने।
ये देखिए इस प्रकार से हम फ्रिल जोड़ लेंगे। आप भी घर पे आसानी से जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए प्लीज लाइक जरूर ठोक दें का था। देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट होने वाली है, राधे 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 राधे। ये देखिए हम इसे कट कर देंगे यहाँ से। देखिए हमारी हो गई तैयार। अब हम यहाँ पे एक फैब्रिक लगा देंगे, थोड़ा सा कपड़ा लगा देंगे प्लेन, और उसे फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए अभी लगा के दिखाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम दोनों साइड लगाएंगे। ये देखिए लगा दिया हमने। ये देखिए इस प्रकार से लग जाएगा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार से लगेगा। और अब हम इसमें राउंड शेप में एक डोरी डालने के लिए ये कपड़ा जो वो लगाएंगे राउंड शेप में। ये जो कपड़ा है ये रेब में काटा हमने, और अब हम इस प्रकार से इस पर स्टिच करेंगे। ये देखिए राउंड शेप में कर देंगे इसे। ये देखिए ये कर दिया हमने, और इसके अंदर गोल्डन कलर की डोरी भी हमने ये डाली है। ये देखिएगा ये डोरी है। अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये भी हमने तैयार कर दिया है। ये इसके बाद हम चोली बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप में से है। ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया, डोरी डाल दिया है। अब डोरी पर कैप लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा लेंगे कट करके, ये कट कर लिया है। अभी देखिएगा लटकन टाइप देखिए इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। ये यहाँ पे रख के ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ सिलाई कर लेंगे एक बार डोरी के ऊपर। ये हमने कर लिया इस प्रकार से, और उधर से हम जो कपड़ा से कट कर देंगे और इसे सीधा कर देंगे हम इस प्रकार से। देखिएगा ये हो गया हमारा तैयार। जो लटकन होती है कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, दोनों जो डोरी है दोनों साइड में लगा देंगे हम इस प्रकार से, इधर भी ऐसे ही कर देंगे। देखिएगा अब हम चोली तैयार करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम चोली तैयार करेंगे। ये दो पीस लिए हैं, और यहाँ पे सिलेंगे हम थोड़ा ऐसे तिरछा लगा के इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई कर देंगे हम। यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे, ये जॉइंट कर दिया हमने, और ऊपर एक लैस लगा देंगे जो पीछे बांधने के काम आएगी। ये देखिएगा अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे ऐसे ही फोल्ड करके। देखिए दोनों साइड ऐसे ही कर देंगे, इधर भी ऐसे ही फोल्ड करके। इस प्रकार से लगभग लगभग हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम उसे डेकोरेट करेंगे। सिलाई लगा देते हैं। अभी देखिएगा नेक के लिए तैयार कर रहे हैं, जो नेक पे लगेगा थोड़ा फ्रिल का टुकड़ा लेके। देखिएगा अब यहाँ से कट करेंगे इसे हम।
ये देखिएगा, ये हमने छोटा टुकड़ा लिया है फ्रेल का, इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये हो गया, और इसे यहाँ से ये साइज हम कट कर लेंगे, छोटा सा पीस लेंगे हम, 3-3.5 इंच का पीस ले लेंगे। ये देखिए, इसमें दोबारा फिर हम चुनर डालेंगे ऊपर एक साइड में जो फ्रेल है उसके अंदर। ये देखिए डबल चुनट होगी इसमें एक साइड, और इस पर ग्लास लगा देंगे जिससे जो नेक है उस पर बांध जाएगी, जिससे बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए थोड़ा कपड़ा लगाया और इस पर लैस लग जाएगी। ये हो गया हमारा नेक के लिए भी तैयार हो गया। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए लेकर चलते हैं, और इस पर फ्लावर वगैरह पैच वगैरह लगाएंगे। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब हम इस पैच लगाएं, देखिए ये इस प्रकार से फ्लावर आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं आप। जो ये फ्लावर है ये 10 रुपीज़ का फ्लावर है एक, ये हम दो लगाएंगे यहाँ पे सामने की तरफ लगाएंगे, और ये इस प्रकार से डेकोरेट करेंगे हम। देखिएगा ये पैच है फ्लावर में, इस प्रकार से हम लगा देंगे। ये देखिएगा कितनी सुंदर ड्रेस आपको लगी है। प्लीज आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ग्लूगन से हम इसे चिपका देंगे, ये इस प्रकार से ये लगा दिया हमने। ये देखिएगा, ये देखिएगा कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये देखिएगा ये तैयार हो चुकी है हमारी, ये मैंने लगा दिए फिक्स कर दिए हैं। देखिए इस साइड से देखो कितनी फिनिशिंग में कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। ये मार्केट में आपको 400 से 500 के रेंज में मिलेगी। ये देखिए ये चोली है, बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।